और फिर मेंस के रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग का एडिशन टोटल रीडिंग के लिए आएगा। मेंस के रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल का एडिशन टोटल रीडिंग पे लिखो। चलो करो जल्दी। सो मेन स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन सर्कुलर स्केल रीडिंग एडिशन ऑफ मेन स्केल रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग इज टोटल रीडिंग इधर आएगा। ऐसे आप तीन पोजीशन के लिए करो, सेम प्रोसीजर तीन पोजीशन के लिए रिपीट करो। चलो सबके पास अभी एक्स का वैल्यू एंड वाई का वैल्यू रेडी हो गया है। एक्स का वैल्यू एंड वाई का वैल्यू, एक्स कैसे निकल अपने, इन तीनों का मीन निकाल के एक्स लिखा, बाद में इन तीनों का मीन निकाल के वाई लिखा। हो गया सबका रेडी? सबका रेडी हो गया? प्लीज सी हियर नाउ, एक्सप्लेन कर दे सब वक्त। मैंने डायग्राम पे बताया था, पहला वाला एक्स मानेंगे और दूसरा वाला मतलब कर्व वाला वाई मानेंगे। फिर एच का फॉर एच क्या बोला था मैंने, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो आपका भी एक्स एंड वाई का जो रीडिंग है उसमें से कोई भी बड़ा होने दो कोई भी छोटा होने दो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दो रीडिंग का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा नंबर माइनस करो और बाजू में एच करके लिखो। इन दोनों में से जो नंबर बड़ा रहेगा उसमें से दूसरा छोटा नंबर माइनस करके एच में लिखो। करो वो एच फाइंड करो, फिर डिफरेंस निकालो। नाउ ए का वैल्यू फाइंड करना है, मैंने बताया था आपको स्मॉल ए फॉर्मूला में है ना, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन सिक्स एच प्लस एच अपॉन टू। तो उसमें ए जो है, प्लीज हियर, ए क्या है पता है आपको, मैंने बताया था ए इज व्हाट, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू लेग्स ऑफ द स्क्वेरोमीटर। तो ये तीन लेग है, ये एक डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीन डिस्टेंस मिलेंगे। वो ऑब्टेन करने के लिए क्या करना है, आपके पास प्लेन पेपर रहेगा या हैंडबुक पे ही कर सकते हो, इसको ऐसे थोड़ा सा जोर से प्रेस करो। जोर से प्रेस करने से क्या होगा, आपको तीन मार्किंग मिलेगा, बराबर ना। उस तीन मार्किंग को पेन से पॉइंट आउट करो, ऐसे तीन पॉइंट आपको मिलेंगे, ऐसे तीन पॉइंट मिलेंगे, बराबर। उन तीनों पॉइंट को स्केल से ज्वाइन करो, प्लीज यार, उस तीनों पॉइंट को स्केल से ज्वाइन करो प्रॉपरली। ट्रायंगल तैयार करो तीनों पॉइंट को स्केल से ज्वाइन करके, एक साइड को A1 मानो, दूसरे को A2 बोलो एंड तीसरे को A3 नाम ऐसे दे दो, A1 A2 A3 ऐसे नाम दे दो। क्लियर है? नाउ मेजर द डिस्टेंस A1 A2 एंड A3 यूजिंग योर नॉर्मल स्केल। नॉर्मल स्केल से वो डिस्टेंस मेजर करो, कितना आता है लिखो। मेजर डिस्टेंस A1 A2 एंड A3 प्लीज, A1 A2 A3 मेजर करके लिखो। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं क्या आने वाला है आंसर, अलग अलग सेट के लिए अलग अलग आंसर आएगा। इधर है मेरे पास 3.9, A1 मुझे मिल रहा है 3.9 सेंटीमीटर, A2 मेजर करके मैं आपको बता देता हूं 2 भी 3.9 मिल रहा है मुझे, A2 इज ऑल्सो गेटिंग 3.9। आप आपके सेट के हिसाब से करो। नाउ A3 आई एम गेटिंग A3 एज 3.8, A3 मिल रहा है मुझे 3.8। अभी A कैसे निकालोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइड बाय 3 करना है। A1 प्लस A इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला लिख के दिया है देखो ना हैंडबुक में, हैंडबुक में हमें है वो फॉर्मूला, A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइड बाय 3 करो। A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइड बाय 3 करके लिखो,
कितना आया हुआ आंसर, ए के जगह पे लिखो, ए के जगह पे लिखो आंसर, देखो आपके हैंडबुक में इधर लिखना है वो ए, ए वन ए टू ए थ्री मीन डिस्टेंस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डिवाइड बाय थ्री, जो आंसर आएगा इधर लिखो ए के लिए। इसका मतलब आपके पास अभी दो वैल्यूज रेडी है, एक एच एंड दूसरा ए, दिस ईयर इधर बगा इधर देखो अभी है, इधर देखो आपके पास अभी दो वैल्यू रेडी होना चाहिए, कौन से दो वैल्यू, एक एच एंड दूसरा ए। और आपके हैंडबुक में अभी एक फॉर्मूला दिया है, दिया है ना फॉर्मूला, फॉर्मूला इज दिस ए स्क्वायर अपॉन सिक्स एच प्लस एच बाय टू। अभी ए स्क्वायर अपॉन सिक्स एच प्लस एच बाय टू का कैलकुलेशन हम लोग ए एंड एच के वैल्यू से करेंगे, ठीक है। स्क्वायर दिया है आपका ए का, इसलिए इधर आएगा टू लॉग ए, मतलब लॉग ए पहले निकालो, उसको टू से मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा कैपिटल ए, वो लिखो उधर। उसके बाद दिया है लॉग ऑफ सिक्स एच, तो पहले सिक्स एच निकालो, सिक्स इंटू एच करो ओरली, और फिर उसका लॉग निकाल के बी करो, फिर ए माइनस बी, ए माइनस बी सिंपली, तो मिलेगा आपका सी, एंटी लॉग ऑफ सी मिलेगा डी, बराबर है। एंड एच डिवाइड बाय टू करके बाजू में लिखो, एच क्या है पता है ना, वो डिवाइड बाय टू करके लिखो बाजू में, फिर आप लिखोगे डी प्लस ई, आपका फाइनल आर। आपके बॉक्स के हिसाब से रीडिंग करो, बॉक्स दिया है कैलकुलेशन का, उसमें ही रीडिंग पूरा करना है, कैलकुलेशन पूरा करना है।